Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 11 of workbook and page number 62. Read the following poem and answer the following question given below. एज में आपको ये पोएम रीड करनी है और उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करनी है. सो द सन इज नॉट अ बेड व्हेन आई एट नाइट अपॉन माय फ्लोर लाई स्टिल राउंड द अर्थ इज वे स्टेक्स एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक. सो द सन इज नॉट अ बेड व्हेन आई एट नाइट अपॉन माय फ्लोर लाई, यानी कि जो सन है वो एक बिस्तर नहीं है जब मैं रात में सोता हूँ अपनी फ्लो पर. स्टिल राउंड द अर्थ हिज वे ही टेक, और जो अर्थ है वो स्टिल यानी कि जब तक पृथ्वी है क्या करती है, चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, यानी कि अपनी दूरी को लगातार घूमती रहती है. एंड मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग मेक्स, और जो सुबह होती है वह मॉर्निंग मेक्स यानी कि सुबह के बाद ही सुबह कहलाती है. भाई हियर एट होम इन शाइनिंग डे वी राउंड द सनी गार्डन प्ले ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हैड इट बीइंग किस्ड एंड पुट टू बेड. सो व्हाइल हियर एट होम इट्स शाइनिंग डे, जब मैं घर पर होता हूँ तो सारा दिन कैसा होता है, शाइनिंग होता है यानी कि चमकीला होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है. वी राउंड द सनी गार्डन प्ले, और जब दोपहर का समय होता है तो सब क्या करते हैं, गार्डन में जो रहते हैं वो खेलते रहते हैं. कभी कुछ मन हुआ तो कुछ खेल लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी मतलब जैसा जो मन होता है टहलते रहते हैं, खेलते रहते हैं. ईच लिटिल इंडियन स्लीपी हैड इट बीइंग किस्ड एंड पुट टू बेड, अब अपन जानते हैं कि जो इंडियंस रहते हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बेड पे वो सोए हुए रहते हैं, तो अपन जाके क्या करते हैं उनको किस करते हैं और फिर किस करने के बाद में वो बिस्तर से उठ जाते हैं. एंड व्हेन एट इवनिंग आई राइज फ्रॉम टी, और जब शाम का टाइम होता है तो पोएट बोलते हैं कि जब मैं काय के लिए टी के लिए उठता हूँ, डे डॉन्स बियॉन्ड द एटलांटिक सी, और जो एटलांटिक सी होता है उसके बियॉन्ड में जाके क्या होता है, सुबह हो जाती है. एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द बेस्ट आर गेटिंग अप एंड ड्रेसिंग एंड बीइंग ड्रेस्ड, और जो बेस्ट में जो चिल्ड्रन रहती है ना जहाँ एटलांटिक सी है, वो सारे चिल्ड्रन उठ जाती है और बेल बीइंग ड्रेस्ड यानी कि अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है. तो यहाँ पर अपनी पोएम होती है कंप्लीट. अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. What does the sun keep making when he goes round the earth? यानी कि सन क्या करता है जब वह राउंड करता है, तो the sun keeps making when he goes round the earth, still round the earth his way he makes and morning after morning makes. And the second question is what are the children doing on the signing day? The children are doing on the signing day they round the sunny garden play. और वो क्या करते हैं, गार्डन में प्ले करते रहते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डज द सन राइज व्हेन द पोएट टेक्स सी इन द इवनिंग, तो द सन राइजेस एट डे डॉन्स बियॉन्ड द एटलांटिक सी. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड, तो कौन तैयार कर रहा है, इसमें पोएट के बारे में बताया गया है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम व्हिच मींस द सेम एज द फॉलोइंग, तो डे ब्रेक का होता है डॉन डी ए डब्ल्यू एन. बनू इज फीलिंग लाइक स्लीपी सो इंडियन स्लीपी है, यहाँ पर अपनी ये पोएम कंप्लीट होती है जो कि थोड़ा सन के बारे में, थोड़ा अर्थ के बारे में है. अब सो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ. जब तक आप अपनी टेक्स्ट बुक और वर्क बुक दोनों के लेसन रीड करिए, कोई भी डाउट आपको बनता है तो आप स्कूल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू.